स्मार्ट बनने आए हो ना द रणवीर शो क्लिप्स हिंदी पर, इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन क्लिप्स चैनल। लाइक बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा को पढ़ोगे तो उस श्लोक का हर पैराग्राफ हनुमान जी की एक स्टोरी होती है। इसका लॉजिक क्या है? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी अवधी भाषा में, संस्कृत में नहीं लिखी है, पर हनुमान चालीसा में बहुत ज्यादा जज्बात भरे हुए हैं। अगर आप हनुमान चालीसा समझ कर पढ़ोगे तो फिर उसका इफेक्ट और भी ज्यादा हो जाता है। ये विचार एक साइड पर रख दीजिए, अभी मैं मेडिटेशन के बारे में थोड़ी बात करूंगा। बिगिनर्स मेडिटेशन के बारे में मैंने बहुत बात करी है कि आपको बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए और फिर आपको मेडिटेशन के इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। ठीक है, आपको एक हैबिट बनानी है पहले, फिर आपको मेडिटेशन के वो कामिंग, ब्रेन प्रोसेसिंग पावर इंप्रूवमेंट वाले इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। कोई भी एडवांस्ड मेडिटेटर जो एडवांस्ड मेडिटेशन कोर्सेज करता है, जो मेडिटेशन के साथ साथ एडवांस्ड योगा करता है, उन्हें कहा जाता है कि अगर आपको सच में मेडिटेशन की दिव्य शक्ति देखनी है अपनी लाइफ में तो फिर आपको मेडिटेट करना चाहिए जज्बातों के साथ, इमोशंस के साथ। जितनी ज़्यादा आपने इमोशंस अपने प्रेयर में डाल दी, आप भगवान से कोई चीज़ मांग रहे हो ना, अगर आप दिल से मांग रहे हो वो चीज़, तो भगवान आपकी दुआओं को पूरा करेगा। और ये होती है एक लाइफ हैक, जब आप प्रे कर रहे होते हो दिल से चीज़ें मांगो, भगवान से प्यार करो, होप करो कि हाँ अभी मैंने तुझसे ये चीज़ मांगी है, जब समय राइट होगा ना तू ये मुझे चीज़ दे देगा। ये होता है मेडिटेशन करने का सही तरीका। जज्बातों के साथ पूजा करो, जज्बातों के साथ भगवान से चीज़ों के लिए पूछो। जो विचार आपने साइड में रखा है ना हनुमान चालीसा का, हनुमान चालीसा का हर पैराग्राफ एक स्टोरी के बारे में है। स्टोरी क्या होती है? हमारा दिमाग पता कैसे बनाया गया है? अगर आपने युवाल नोआ हरारी की सेपियंस बुक पढ़ी तो आपको ये कोट याद आएगी, ह्यूमन बीइंग्स हैव फोर नीड्स। मनुष्य के चार नीड्स होते हैं, चार ज़रूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान सभी को पता है। चौथी ज़रूरत, चौथी नीड होती है स्टोरी टेलिंग। एवरी ह्यूमन नीड्स फूड, शेल्टर, क्लोदिंग एंड स्टोरी टेलिंग। कहानियाँ हमारी लाइफ के एसेंस होते हैं। हमारा दिमाग ऐसा बनाया गया है। अगर किसी बोरिंग से यूट्यूबर ने आकर आपको नंबर के थ्रू साइंस के बारे में समझाया, आपको मज़ा नहीं आएगा। पर अगर क्रिस्टोफर नोलन ने एक मूवी बना दी स्पेस के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में, या ड्रीम्स के बारे में, सपनों के बारे में, वो स्टोरी आपको याद रहती है। कभी ये सोचा कि ये इफ़ेक्ट क्यों होता है आपकी लाइफ में, आपके दिमाग पर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी बुक ऋग्वेद 10,000 साल पहले लिखी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्टोरियन अभिजीत चावड़ा कह रहे हैं और दुनिया भर के हिस्टोरियंस आजकल कहने लगे हैं। दुनिया की सबसे पुरानी बुक ऋग्वेद है और उसका प्रूफ ये है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बारे में लिखा गया और सरस्वती नदी कुछ 8,000 पहले ड्राई हो चुकी थी, मतलब उसके पहले, शायद 10,000 साल पहले के आसपास ऋग्वेद लिखा गया था। तो ऋग्वेद इस दुनिया की सबसे पुरानी किताब है और वो सिर्फ 10,000 साल पुरानी है। अगर आप होमो सेपियंस की स्टडी करें, अगर आप युवाल नोआ हरारी की सेपियंस किताब पढ़ें, तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर हैं, जो सबसे पुराने होमो सेपियन हैं, हमारे स्पीशीज के सबसे पुराने इंसान कब जन्मे थे? 3,00,000 साल पहले। 3,00,000 साल पहले मतलब 2,90,000 सालों तक हमने ना ही कुछ लिखा और शायद ना ही कुछ पढ़ा। और अगर कुछ लिखा हुआ होगा या पढ़ा हुआ होगा, उसका प्रूफ आज तक नहीं मिला है। 2,90,000 सालों तक हमारा ह्यूमन ब्रेन, इंसान का दिमाग, ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, मतलब किसी ने आपसे स्टोरी बोली, किसी ने आपको कोई चीज़ कही, उस प्रोसेस से सीखता था।
हमारे दिमाग को स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। ये होती है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, मतलब जैसे जैसे हमारा दिमाग इवॉल्व हो रहा था वैसे ही हमारे बिहेवियर्स, वैसे ही हमारे सोच विचार बदल रहे थे। हमारा दिमाग स्टोरीज़ को बहुत आसानी से समझता और उन स्टोरीज़ के जज्बातों को बहुत आसानी से कैप्चर करता। हमें जज्बात कैसे अच्छे से समझते, एक स्टोरी की सबसे प्यारी बात यह है कि आप किसी और की लाइफ आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हो एक स्टोरी के थ्रू। तो जब हनुमान जी के बारे में इतनी स्टोरीज लिखी गई हैं, चाहे भाषा कोई भी हो, आपको हनुमान जी के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे थे, वो कैसे सोचते थे, उनके दिल में क्या था, क्या करना चाहते थे, वो किन चीज़ों के देवता माने जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है स्टोरीज़ के थ्रू। और इसलिए भाषा का कोई मतलब नहीं है। कल अगर जापानीज़ भाषा में भी हनुमान चालीसा लिखी गई होती पर आप दिल से जापानीज़ वाली हनुमान चालीसा बोलते तो आपको वही पावर मिलता हनुमान चालीसा से।